हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज संजय। आई एम अ बीपीटी थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर। मैं आप सभी के लिए लेज़र का लेक्चर या नोट्स लेकर आया हूँ, ठीक है। ये जो नोट्स है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स है, लेकिन इसमें पूरा बुक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि ये सारे नोट्स आपको एक जगह मिलेगा, आपको एग्ज़ाम टाइम में ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि मैं अब जैसे 2017 का क्वेश्चन है कि आया हुआ है, तो क्लासीफाई लेज़र है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लेज़र है 2018 पूछा गया है, टाइप ऑफ द लेज़र है 2021 में पूछा गया है, एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ द लेज़र, राइट द मेंशन एप्लीकेशन ऑफ द मेथड विद इंडिकेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग साल में पूछा गया क्वेश्चंस है। अब इसका एक जगह में आप सभी को मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आता ही आता है, ये हर साल आप देख ही रहे हो, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 में आया हुआ है, उसके बाद 2023 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर या 10 नंबर या 15 नंबर में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लेज़र का डेफिनेशन देखेंगे। हम सबको कवर, ये सब कवर अप होते जाएगा जब हम ये सब पढ़ते जाएंगे ना, तो ये सब कवर होते जाएगा, है ना। आप सभी को एक जगह नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये जो मैं नोट्स बनाया हूँ ये जगमोहन सिंह हो गया और नंदा की इलेक्ट्रोथेरेपी का बुक है, उसे मैं प्रीफर किया हूँ, ठीक है। तो आप सभी वहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप सभी को मैं एक जगह नोट अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है लेज़र, लेज़र के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हम क्या देखेंगे, लेज़र का डेफिनेशन। लेज़र का डेफिनेशन क्या है, लेज़र इज़ अ क्या है, लेज़र का फुल फॉर्म देखेंगे कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है लेज़र का फुल फॉर्म, ठीक है। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फ्लैश और बल्ब लाइट। ये जो लेज़र जो होती है नॉर्मल फ्लैश लाइट होती है, जैसे वाइट लाइट होती है ना, उन सबसे डिफरेंस होता है। वो डिफरेंट कैसे होता है हम आगे जानेंगे, ठीक है। लेज़र प्रोड्यूस अ बीम ऑफ नैरो लाइट। जो लेज़र जो होती है नैरो लाइट प्रोड्यूस करती है और बीम मतलब गुच्छे में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये इसका क्या बेनिफिट होता है, बीम ऑफ नैरो लाइट प्रोड्यूस करने से लेज़र में क्या बेनिफिट होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। फिर आगे चलते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लेज़र, लेज़र जो लाइट होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र में देखेंगे तो इसकी क्या 5 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला होते हैं मोनोक्रोमेसिटी, दूसरा होता है कोहरेंस, तीसरा होता है कॉलिमिनेशन, चौथा होता है डायरेक्शनैलिटी और पाँचवा होता है हाई एनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है मोनोक्रोमिसिटी। मोनो मतलब होता है सिंगल, क्रोमा मीन्स होता है कलर, यानी एक सिंगल कलर होगा, यानी समझ में आ रहा है ना, ये तो ब्लू होगा, ये रेड होगा, यानी एक सिंगल कलर होगा किसका, लेज़र में। तो इन लेज़र आल इमिटेड फोटॉन हैव अ सेम एनर्जी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ अस कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वाइट लाइट। यानी कि जो हमारा लेज़र लाइट का जो लाइट होती है, जो लाइट इमिट होती है, जब लाइट निकलती है उसका जो वेवलेंथ होता है, उसकी जो एनर्जी होती है सभी कलर की, समझ में आ रहा है ना, सभी कलर की सेम होती है अस कम्पेयर टू वाइट लाइट। वाइट लाइट में हम क्या देखते हैं कि वाइट लाइट में रेड का अलग ही वेवलेंथ है ना, अलग ही फ्रिक्वेंसी है, अलग ही एनर्जी है, वाइट का अलग, सॉरी ब्लू का अलग है, येलो का अलग है, लेकिन लेज़र में क्या होता है, सबकी जो वेवलेंथ होती है, एनर्जी होती है, सेम होती है। इन वाइट लाइट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ एंड एनर्जी, ठीक है। जो वाइट लाइट होती है मेनी डिफरेंट वेवलेंथ एनर्जी से मिलकर बना होता है, क्योंकि उसमें रेड जो होती है अलग वेवलेंथ का होता है ना, हम तो जानते हैं ना वेवलेंथ अलग अलग होती है सबका, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल के लिए कि हमारे पास एक रेड का दिया हुआ है, हमने ब्लू का भी दिया है, ठीक है। तो रेड का जो वेवलेंथ एनर्जी सेम है, उतना ही वेवलेंथ एनर्जी ब्लू का भी होता है, सेम होता है, मतलब समझ में आ रहा है ना, अस कम्पेयर टू वाइट लाइट। अगर वाइट लाइट रहता तो क्या होता है, वाइट लाइट में क्या क्या देखे हैं, विब्योर होता है, आपको सबको पता है वाइट लाइट में क्या होता है, विब्योर होता है। तो ये जो वाइट लाइट होता है इसमें रेड भी होगा, ब्लू भी होगा, येलो भी होगा, सब कलर होंगे, तो इसके हिसाब से उसकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी भी चेंज होंगी, ठीक है ना। तो ये एक इसका प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, मोनोक्रोमेसिटी होता है। दूसरा क्या होता है, कोहेरेंस। क्या होता है, कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है समझते हैं, लेज़र लाइट इमिट सेम फेज एंड सेम
वेवलेंथ वेव दैट्स वाई इट कम्बाइंड टू ईच अदर इट्स कॉल कोहेरेंस। मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये जो लेज़र इमिट करेगा, लेज़र क्या इमिट करेगा, फोटॉन इमिट करेगा, उसका फोटॉन फोटॉन का जो वेवलेंथ होता है और एनर्जी जो होती है सेम होता है। वेवलेंथ समझ में आ रहा है ना, वेवलेंथ ये जो जो इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ और एनर्जी सेम होती है। जैसे देखिए इसका जो वेवलेंथ क्या होता है, ये वेवलेंथ ये होता है वेवलेंथ है ना। ये मान लीजिए रेड का हो गया और उसी साथ उसके जैसा सेम टू सेम मान लीजिए ब्लू का भी हो गया है ना। इनका जो वेवलेंथ है, इनका जो वेवलेंथ क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। इनका जो वेवलेंथ, इनका जो वेवलेंथ, इनका जो वेवलेंथ क्या होता है, सेम सेम होता है। तो सेम सेम वेवलेंथ के होने के कारण वे एक दूसरे को क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे उसका फेस का जो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, कि जैसे इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ सेम है, और दोनों वेवलेंथ सेम वेवलेंथ का होता है, सेम फेस का होता है, तो उसके एम्पलीट्यूड में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो देखिए एडिशन हो गया बोथ द फेस और यहाँ के एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए यह हमारा दूसरा हो गया कोहेरेंस। तो कोहेरेंस में समझ में आया ना क्या है कोहेरेंस, कि लेजर लाइट इमिट सेम फेज और सेम वेवलेंथ वेव दैट्स वाई इज कम्बाइंड टू ईच अदर, ठीक है। सेम फेज और सेम वेवलेंथ के कारण होने के कारण वे कंबाइन हो जाते हैं, वही उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कॉलिमिनेशन। तीसरा देखते हैं कोहेरेंस कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉलिमिनेशन। थर्ड हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, कॉलिमिनेशन। कॉलिमिनेशन क्या होता है, ऑल द बीम ऑफ लेजर ट्रेवल पैरेलली, यानी जो जितना भी हमारे पास लेज़र होगा, लेज़र का जो बीम होगा, मान लीजिए ये लेज़र लाइट है, ये लेज़र यहाँ से मेरा निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से हेड अप लेज़र है, तो जो बीम होती है, बीम लाइट होती है, वो पैरेलली ट्रेवल करती है। समझ में आ रहा है ना, ये जो बीम लाइट होती है वो पैरेलली ट्रेवल करती है। दैट्स वाई रेडिएशन बीम एंड लेज़र डू नॉट डाइवर्स, इसकी यही प्रॉपर्टीज के कारण ये जो लेज़र लाइट होती है डाइवर्स नहीं होती है, और डाइवर्स नहीं होती है तो क्या होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। इसलिए हम देखे हैं ना कि हम बहुत दूर तक डिस्टेंस को वो कर सकते हैं, ट्रेवल करता है हमारा लेज़र लाइट, है ना। कि मान ले जाए यहाँ पर कोई बच्चा है, 15 फीट 20 फीट में बहुत दूर में कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी जो लेज़र लाइट की फोकस का डिस्टेंस जो होता है बहुत दूर तक जाता है। क्यों, कारण क्या है, वाइट लाइट तो नहीं जाता है, वाइट लाइट तो उतना नहीं फैल पाता है। क्यों, क्योंकि जो वाइट लाइट से जो बीम निकलता है वो डाइवर्स हो जाती है, लेकिन जो हमारा लेज़र से जो लाइट निकलती है वो डाइवर्स नहीं हो पाती। इसका कारण क्यों है, इसका कारण क्या है, कि वो क्या होता है, पैरेलली ट्रेवल करती है। समझ में आ रहा है, सभी बीम क्या होता है, सभी बीम लाइट पैरेलली ट्रेवल करती है, पैरेलली के होने के कारण वो डाइवर्स नहीं करती, इधर उधर नहीं जाती है, ठीक है। तीसरा देखते हैं डायरेक्शनैलिटी, कि हमारे जो लेज़र लाइट, लेज़र का जो लाइट होती है उसमें डायरेक्शनैलिटी होती है। इन अ लेज़र ऑल फोटॉन विल ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन, द विड्थ ऑफ द लेज़र बीम इज एक्सट्रीमली नैरो। तो सेम डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे जितने भी बीम होगा, तो जिसका विड्थ होगा, इसका जो विड्थ होगा क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहता, नैरो होता है। नैरो होने के कारण ही वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया, तो हम फ्रेंड्स हम जान लिए हैं पांच प्रकार का हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। पहला क्या होता है, मोनोक्रोमिसिटी। दूसरा क्या होता है, कोहेरेंस। तीसरा होता है कॉलिमिनेशन। चौथा होता है डायरेक्शनैलिटी, ठीक है। और पांचवा एक हम देखे थे कि हाई एनर्जी होती है, क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। तो हाई एनर्जी ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये हाई एनर्जी होती है। क्यों, कारण क्या है हाई एनर्जी की, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है सेम होता है, सेम होने के कारण क्या होता है, एडिशन होते जाते हैं, एडिशन होने के हाई एम्पलीट्यूड होगा तो हाई एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया हमारे प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं कि हमारा जो, अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ द लेज़र हो गया, नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ लेज़र। हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टी, हमने पढ़ लिया डेफिनेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन, कि हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, कि लेज़र का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। इट इज़ द बेस्ड ऑन द फोटॉन इमिशन बाय द अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन। ये किस थ्योरी पर बेस्ड है और कैसे किस पर वर्क करता है, ये फोटॉन की इमिशन रेडिएशन पर वर्क करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जो होती है, जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन होती है, जब वो स्टेबल होती है तो वो फोटॉन इमिट करता है, और जो फोटॉन इमिट करने से जो फोटॉन निकलता है वही हमारा क्या होता है, लेज़र होता है। समझ में आ रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी तो हम सभी पढ़े हैं, क्या कहता है क्वांटम थ्योरी, कि इलेक्ट्रॉन रिमेन इन नॉर्मली ग्राउंड सेल स्टेट,
वो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन होती है वो ग्राउंड शेल में रहता है, ठीक है, लेकिन जब उसको हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी एंड एक्साइटेड एंड एक्साइट हो जाती है। एक्साइट होकर कहाँ जाती है, वो हायर सेल में जाती है। तो इलेक्ट्रॉन रीच द हायर एनर्जी लेवल सेल, ठीक है। अब हायर एनर्जी लेवल सेल में चला गया तो वेयर द वहाँ क्या होता है, वेयर द इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल, कोई भी इलेक्ट्रॉन रहे जब उसको एनर्जी देते हैं ना तो हायर एनर्जी लेवल में जाता है, हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो अनस्टेबल रहता है। और हर इस धरती का एक ही लॉ है, ठीक है ना, हर चीज़ अपने आप को स्टेबल पाना चाहता है, ठीक है। तो वो भी इलेक्ट्रॉन भी चाहता है कि जो अनस्टेबिलिटी है उसको स्टेबल बनाए। तो स्टेबल कैसे बनाएगा, वो एनर्जी गेन किया हुआ है उस एनर्जी को जब तक वो इमिट नहीं करेगा या भी बाहर नहीं निकालेगा तब तक वो स्टेबल होगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट्स द फोटॉन एंड कम बैक इनटू द लोअर एनर्जी लेवल यानी ग्राउंड स्टेट पर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन किसको इमिट करता है, फोटॉन को, और ये फोटॉन जो इमिटेड फोटॉन होती है सेम वेवलेंथ का होता है एंड सेम एनर्जी का होता है, ठीक है ना। जो सेम वेवलेंथ और सेम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेज़र। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब चलिए, अब जो हमारा ये तो हमने थ्योरी पढ़ लिया कि हमारा जो लेज़र का प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है ना, ये इस थ्योरी पर बेस्ड है, इस पर क्वांटम थ्योरी पर, ठीक है। लेकिन हम कैसे उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, क्या क्या हमारे पास ज़रूरत रहेगी सामान की, वो हम देखना चाह हम उसको भी उसका भी बारे में बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्शन, सॉरी कंपोनेंट ऑफ द लेज़र प्रोडक्शन, कि हमारे लेज़र के प्रोडक्शन में क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए लेजिंग मीडियम, क्या होना चाहिए, लेजिंग मीडियम। दूसरा होना चाहिए रेजोनेटिंग चैम्बर, ठीक है, और थर्ड होना चाहिए एनर्जी का सोर्स। समझ में आ रहा ना, ये जो क्या है इसके बारे में यहाँ पर डील किया हुआ है, ठीक है। लेजिंग मीडियम क्या होता है, लेजिंग मीडियम क्या होता है, द मटेरियल विच आर कैपेबल टू प्रोडक्शन ऑफ लेज़र इज नोन एज लेजिंग मीडियम। जो भी हमारा मीडियम है वो लेज़र को प्रोड्यूस कर सकता है, जो भी हम मीडियम ले रहे हैं लेज़र के प्रोडक्शन के लिए, जिस मीडियम का हम उपयोग कर रहे हैं यदि वो हमारा लेज़र प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, लेजिंग मीडियम। समझ में आना। तो लेजिंग मीडियम क्या क्या हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकती है, ये क्रिस्टल भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकती है, वो हमारा लेजिंग मीडियम। समझ में आ रहा। अब दूसरा देखते हैं रेजोनेटिंग चैम्बर, हमारा अब देखिए लेजिंग मीडियम हो गया, वो तो मीडियम है, उसके बाद वो किस में रखा जाएगा, किस चैम्बर में, ये भी कुछ तो रहेगा ना, है ना, कुछ तो इक्विपमेंट रहेगा जिसमें वो लेजिंग मीडियम होगा। तो रेजोनेटिंग चैम्बर क्या होता है, द रेजोनेटिंग चैम्बर कंटेन द लेजिंग मीडियम, है ना, रेजोनेटिंग चैम्बर के अंदर ही हमारा लेजिंग मीडियम होता है, विच इज़ सराउंडेड बाई द टू पैरेलल मिरर एट द एंड, ठीक है, जो क्या होता है, टू पैरेलल मिरर से सराउंडेड होती है। हम आगे डायग्राम देखेंगे, ठीक है ना, घबराना नहीं है, है ना, टू पैरेलल मिरर एट द एंड, वन मिरर इज़ 100% रिफ्लेक्टेड होता है। एक जैसे मान लीजिए दो एंड है इसका, दोनों एंड में हमने टू पैरेलल मिरर रख दिया है, ठीक है, पैरेलल मिरर रख दिया है, तो एक जो एंड है वो 100% रिफ्लेक्टेड करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा रेज, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर रेज आएगी ना तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जो सेकेंड हमारा वो रेज होती है वो स्लाइटली रिफ्लेक्टेड होता है, यही लिखा है, और सेकेंड वाला सेकेंड इज अ स्लाइटली रिफ्लेक्टर, ठीक है ना, वो स्लाइटली रिफ्लेक्टर होते हैं, वो पूरा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी वहाँ से होकर रेज अंदर गुजरेगी, ठीक है ना। अब देखते हैं एनर्जी सोर्स, तो हमारा फर्स्ट क्या है, लेजिंग मीडियम, दूसरा रेजोनेटिंग चैम्बर, तीसरा होता है एनर्जी का सोर्स। अब हमें लेज़र का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहीं से तो एनर्जी देनी पड़ेगी, किसको एक्साइट करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, ठीक है ना। अ फ्लैश गम इज़ यूज्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द लेजिंग मीडियम। फ्लैश मतलब फ्लैश लाइट का उपयोग करते हैं, फ्लैश गन का उपयोग करते हैं गम का। फ्लैश गम इज़ यूज टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ लेजिंग मीडियम, द सोर्स ऑफ फ्लैश गम इज़ यूजली करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो ठीक है ना। हाँ, तो हम अल्टीमेटली हम करंट का उपयोग करते हैं, किसको एक्साइट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, फोटॉन को इमिट कर सके, और वो जो फोटॉन निकले वो हमारा लेज़र प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, या लेज़र ही होता है, ठीक। अब हमारा यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक बन गया है कि क्लासीफाई लेज़र हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ द लेज़र पढ़ लिए हमने, टाइप ऑफ द लेज़र में आते हैं, हमने ये चौथा वाला हमने कंप्लीट कर लिया है, क्या प्रोडक्शन ऑफ द लेज़र एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन नहीं हुए हैं, इंडिकेशन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ लेज़र। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, टाइप ऑफ लेज़र, हम एक के बाद एक पढ़ेंगे ना तो सिंपल होगा, वो तो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, हम लेकिन हम सिस्टमेटिकली हम पढ़ेंगे ना तो अच्छा रहेगा।
तो टाइप ऑफ द लेज़र, कि लेज़र के कितने प्रकार के टाइप होते हैं, तो लेज़र के भाई मुख्य तीन भाग होते हैं, मतलब तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, रूबी लेज़र, दूसरा होता है हीलियम नियॉन लेज़र, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर लेज़र। जो इसका लेज़र का नाम ही ऐसा क्यों रखा गया है, हम जिस मीडियम को उपयोग कर रहे हैं उसके अनुसार से हम उसका नाम रख दिया है। रूबी लेज़र में हम रूबी मीडियम को उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम नियॉन गैस को उपयोग कर रहे हैं, एंड सेमीकंडक्टर में हम सेमीकंडक्टर में डायोड को उपयोग करते हैं, सेमीकंडक्टर को उपयोग करते हैं, सेमीकंडक्टर लेज़र। ठीक, रूबी लेज़र ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है, ठीक है ना, कि रूबी लेज़र क्या है और हीलियम नियॉन लेज़र क्या है, सेमीकंडक्टर लेज़र सेपरेटेड पूछ देते हैं कभी कभी, तो है ना, रूबी लेज़र क्या होता है, और ये प्रैक्टिकल में भी पूछा गया है, जब मैं सेकेंड ईयर में था ना तो मुझे पूछा गया था रूबी लेज़र के बारे में बताइए करके, तो ये सेपरेटेड भी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, ठीक है ना, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। तो रूबी लेज़र देखते हैं, ठीक है ना, आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल लेज़र, क्रिस्टल लेज़र बिकॉज इट इज़ अ कंटेन सिंथेटिक रूबी अज अ लेजिंग मीडियम। हम इसे क्रिस्टल लेज़र भी कहते हैं, याद रखना, इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेज़र भी कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन अ सिंथेटिक रूबी का उपयोग करते हैं, सिंथेटिक में जो हम बनाए हुए हैं रूबी का उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, रूबी लेज़र कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा देख क्या है इसका, सेकेंड पॉइंट क्या है, हेलिकल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कंटेन जेनॉन ट्यूब इज वाउंड अराउंड द रूबी रॉड। एक हेलिकल क्या होती है, हेलिकल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कंटेनिंग जेनॉन गैस, जो जेनॉन गैस जैसे यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, ये जो हेलिकल होता है ये घुमा हुआ हुआ है, ठीक है ना, हेलिकल और जेनॉन गैस से कंटेन एक क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ट्यूब होती है, ठीक है ना, जो कहाँ किससे, जो किससे वाउंड होती है, वो रूबी रॉड से वाउंड होती है, देखिए है ना, ये रूबी रॉड है, ये रूबी रॉड को वाउंड किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अ हेलिकल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कंटेनिंग जेनॉन ट्यूब इज वाउंड अराउंड द रूबी रॉड, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अब आगे देखते हैं, बोथ एंड इज मेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, बोथ दोनों सरफेस में, दोनों एंड में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जुड़ा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में मिरर का उपयोग करते हैं, ठीक है, वन इज 100% रिफ्लेक्टर एंड सेकंड इज अ स्लाइटली रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये जो है ना कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा जब हम डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, जेनॉन ट्यूब इज यूज टू गिव द इंटेंस फ्लैश ऑफ वाइट लाइट, ठीक है ना। तो जो हम ये जो क्या बोल रहे हैं, जेनॉन ट्यूब होता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कंटेनिंग जेनॉन ट्यूब जो होती है वो क्या किसमें हेल्प कर रहा है, वो इंटेंस फ्लैश लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, इंटेंस फ्लैश लाइट को प्रोड्यूस होती है, जिसका उपयोग हम किसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में करते हैं, द रूबी मॉलिक्यूल एंड राइज द, जो रूबी जिसे रूबी रॉड बीच में होता है, ठीक है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हेलिकल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कंटेनिंग जेनॉन ट्यूब को उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और वो जेनॉन ट्यूब किसको प्रोड्यूस करता है, वाइट फ्लैश लाइट को, और वाइट फ्लैश लाइट किसको किसको स्टिमुलेट करता है, किसको वो करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, इमिट कराता है, इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में लेके जाता है ताकि वो फोटोन को इमिट कर सके, समझ में आ रहा है ना। ठीक, द रूबी मॉलिक्यूल एंड राइज द इलेक्ट्रॉन टू द लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, समझ में आ रहा है ना। हम किसको उपयोग किया है, जेनॉन कंटिन्यू ट्यूब का उपयोग कर रहे हैं ताकि वो फ्लैश वाइट फ्लैश लाइट को प्रोड्यूस कर सके, वो वाइट फ्लैश लाइट जो होती है रूबी रॉड पर पड़ेगा, और रूबी रॉड से जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी को गेन करेगा, और जो स्टेबल सेल से वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, मतलब लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और वहाँ से क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल से स्टेबिलिटी को, जब स्टेबिलिटी चाहता है हर कोई, तो फोटॉन को इमिट करता है, ठीक है ना, और वही फोटॉन हमारा क्या कहलाता है, लेज़र, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल, ठीक है ना, जो एक्साइटेबल जो स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉन इमिट द फोटॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या किसको इमिट करेगा, फोटॉन को इमिट करेगा, जो एनर्जी गेन किया होता है उसको इमिट करेगा फोटॉन के रूप में, और अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। दिस इमिटेड फोटॉन हैव सेम वेवलेंथ वेवलेंथ कितना होता है, 694.3 नैनोमीटर की, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देते हैं कि जो रूबी लेज़र होता है उसका जो लेज़र का वेवलेंथ जो निकलती है वो कितना होता है, ठीक है ना। तो रूबी लेज़र मतलब चाहे कुछ भी कलर का रहे, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी कलर का रहे उसका जो वेवलेंथ होता है सेम होगा, 694.3 नैनोमीटर, एंड सेम एनर्जी का होता है, ठीक है गाइज, इतना समझ में आ रहा है ना। इसको हम डायग्राम में देखते हैं,
ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ग्लास का ट्यूब लिया है, ये हमारा क्या है, एक ग्लास का ट्यूब है, ठीक है ना, जिससे हम एक कूलिंग के लिए अंदर हवा दे रहे हैं और कूलिंग के बाहर बाहर हवा दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब एक होता है क्या होता है, ये हमारा जो अंदर के अंदर अंदर जो दिख रहा है हमारे पास लाल लाल कलर का, वो हमारा होता है रूबी रॉड। क्या होता है हमारा रूबी रॉड के जो दोनों एंड होते हैं, उन दोनों एंड में क्या होता है, रिफ्लेक्टर मिरर लगा होता है। जो एक एंड होता है, वन एंड इज द 100% रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है ना। इस एंड में 100% रिफ्लेक्ट होगा, लाइट अगर इधर आएगा तो 100% रिफ्लेक्ट होकर इधर ही मुड़ेगा, ठीक है ना। और जो सेकंड एंड होता है वो पार्शली रिफ्लेक्टर एंड होता है, वो पार्शली होता है, ठीक है ना। तो और ये अब जो यहाँ से हमने क्या बोला, और ये जो हेलिकल मुड़ा हुआ जो ये जो दिख रहा है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कंटेनिंग ट्यूब है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या होता है, हेलिकल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जेनान कंटेनिंग ट्यूब होता है। ये जो जेनान कंटेनिंग ट्यूब होती है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वाइट फ्लैश लाइट को प्रोड्यूस करता है, ताकि ये वाइट फ्लैश लाइट इस पर पड़े और ये इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करे, गेन करके वो हायर एनर्जी लेवल पे जाए, हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में जब आएगा तो वो फोटॉन को इमिट करेगा। और वही फोटॉन क्या होगा, वो फोटॉन क्या होगा, सेम वेवलेंथ एनर्जी का होगा। अब वो सेम वेवलेंथ एनर्जी किसकी प्रॉपर्टी है, हमारी लेज़र की। समझ में आ गया गाइस, तो ये हमारा डायग्राम किसका है, रूबी लेज़र का। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा क्या है, हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है, ये लो प्रेशर हीलियम नियॉन गैस ट्यूब होती है। इसमें क्या होता है, एक लो प्रेशर, ये जो दिखने लो प्रेशर हीलियम नियॉन जो गैस होती है उसको लो प्रेशर में भरा जाता है एक ट्यूब के अंदर, और उसको क्या होते हैं, एक्साइट द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, उसको क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक देंगे, इलेक्ट्रिक के थ्रू क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल को हम एक्साइट करेंगे, और एक्साइट करने पर क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, जो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर वो रिटर्न आ गया ग्राउंड स्टेट में तो फोटॉन को इमिट करेगा, तो क्या होगा, सेम वेवलेंथ और एनर्जी का फोटॉन को इमिट करता है, वही हमारा क्या है, लेज़र कहलाता है, विच हैव अ वेवलेंथ, और जिसका वेवलेंथ कितना होता है, 632.8 नैनोमीटर। याद रखना, पहले वाला हमारा क्या था, रूबी लेज़र का 694.3 नैनोमीटर, और सेकेंड वाला हमारा क्या है, 632.8 नैनोमीटर का होता है, ठीक। अब इसका डायग्राम एक बार देख लो, ये जो होता है, ये हमारा ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये एक तरफ मिरर लगा हो, दूसरी तरफ भी मिरर लगा होता है, एक मिरर जो 100% रिफ्लेक्टर होता है, सेकेंड मिरर होता है सराइटिव रिफ्लेक्टर होता है, इसके अंदर हीलियम नियॉन गैस भरा होता है, ठीक है ना। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल करंट को सप्लाई करने के लिए यहाँ पर करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है। जब करंट सप्लाई किया जाता है तो यहाँ के मॉलिक्यूल क्या होता है, एनर्जी को गेन करते हैं, फिर हाई एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी, वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से, और यहाँ से जो स्लाइटली रिफ्लेक्टर इंड होता है वहाँ से हमारा लेज़र बीम बाहर निकलता है, ठीक, यहीं से हमें लेज़र प्राप्त हो जाती है, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा ना। तो ये हमारा दूसरा हो गया हीलियम नियॉन लेज़र। तीसरा क्या होता है हमारा, डायोड लेज़र या सेमी कंडक्टर लेज़र भी कहते हैं इसी को, ठीक है। डायोड लेज़र हम किसको उपयोग करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड आर यूज्ड अस अ डायोड और सेमी कंडक्टर टू प्रोड्यूस अ इंफ्रारेड विजिबल लेज़र, ठीक है ना। तो गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ किया जाता है, जिसे हम डायोड या सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस द इंफ्रारेड विजिबल लेज़र। किसे प्रोड्यूस करने के लिए, इंफ्रारेड विजिबल लेज़र को प्रोड्यूस करने के लिए गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है, विच हैव अ वेवलेंथ 904 नैनोमीटर, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इसी का होता है गाइस, ठीक है ना। पहले वाला कितना था देखो याद करो, ठीक है, पहले वाला की कितना था, 694.3 नैनोमीटर, सेकंड का कितना है, 632.8 नैनोमीटर, एंड थर्ड वाला हमारा कितना है, हमारा 904 नैनोमीटर का होता है। द एडवांटेज ऑफ द सेमी कंडक्टर का लेज़र का क्या एडवांटेज होता है, इट कैन इमिट द कंटिन्यूअस और पल्स में, ये कंटिन्यूअस भी इमिट कर सकता है और पल्स में, उन्हें रुक रुक कर भी, पल्स मतलब होता है रुक रुक कर, एक मिनट वो इमिट करेगा फोटॉन को, फिर रुक जाएगा, ठीक है ना, एक मिनट, और एक मिनट फिर चालू होगा, फिर रुक जाएगा, फिर चालू होगा, इसी को बोलते हैं हम पल्स बोलते हैं, ठीक है ना, रुक रुक कर चलना, ठीक। तो ये हमारा हो गया ख़त्म, क्या हो गया, टाइप ऑफ द लेज़र। तीन प्रकार के लेज़र होते हैं, पहला होता है रूबी लेज़र, दूसरा हीलियम नियॉन लेज़र, तीसरा होता है डायोड लेज़र, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक। अब आते हैं हमारा मेथड ऑफ़ द एप्लीकेशन की, हमारे जो लेज़र होता है उसे हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, मेथड क्या है एप्लीकेशन का। तो दो मेथड होता है गाइस, है ना, इसको देख लीजिए कि दो मेथड होता है, पहला मेथड होता है ग्रिड मेथड, दूसरा मेथड होता है स्कैनिंग मेथड। ग्रिड मेथड क्या होता है, द ट्रीटमेंट हेड, ग्रिड मेथड में क्या होता है, द ट्रीटमेंट हेड इज डिवाइडेड इंटू द ग्रिड
ट्रीटमेंट हेड नहीं सॉरी द ट्रीटमेंट एरिया इज डिवाइडेड इनटू अ ग्रिड ईच ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा ना, ट्रीटमेंट एरिया जो होती है वो डिवाइडेड होता है। समझ में आ रहा, जैसे मान ले जाए मैं इतने एरिया को लेज़र देने वाला हूँ, ठीक है ना, तो प्रत्येक का जो एरिया होगा ईच एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में डिवाइड होगा, इसे हम बोलते हैं ग्रिड मेथड। समझ में, ये डिवाइडेड है, समझ में आ रहा है ना, तो क्या होता है ग्रिड मेथड, क्या होता है द ट्रीटमेंट एरिया इज डिवाइडेड इनटू अ ग्रिड ईच ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में द हैंड हेल्ड एप्लीकेटर शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद द स्किन। इसमें याद रखना है कि हमारा जो हेड ऑफ द एप्लीकेटर होगा वो शुड बी क्या होगा, कनेक्टेड विद द किसे, स्किन से कनेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है गाइस, तो द हैंड हेल्ड एप्लीकेटर शुड बी कॉन्टेक्ट विद द स्किन एंड डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द टिश्यू, डायरेक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल पर ही होना चाहिए गाइस। नॉर्मल पर होगा तो क्या होगा, ये कोई एंगल नहीं बनाएगा, और कोई अगर कोई भी एंगल बनाता है तो हमें पता है दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाते हैं, दो कंपोनेंट, समझ में आ रहा है ना, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है। मान लो कोई एंगल बनाकर ऐसे दिया जा रहा है तो एक तो इधर चला जाएगा, एक अंदर जाएगा, ठीक है ना, तो मतलब पूरा 100% एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। जब हम लेकिन 90 डिग्री पर किसी चीज़ को देते हैं तो मैक्सिमम हमें एब्जॉर्प्शन प्राप्त होता है, ठीक है गाइस, जो परपेंडिकुलर हमें देना है। तो ये समझ में आ रहा है ना, ग्रिड मेथड हो गया। इसका डायग्राम देख लेते हैं, ये हमारा डायग्राम है, ये देखिए, ये क्या है, हेड ऑफ द एप्लीकेटर है, ये स्किन सरफेस है, ये रुको क्या चीज है, ये स्किन सरफेस है, और ये जो लेजर लाइट इसका हेड ऑफ द एप्लीकेटर को स्किन सरफेस में हमने रख दिया है, और हमें हम क्या मिल रहा है, ये 100% हमें और 90 डिग्री पर रखा गया है, ठीक है, तो हम 100% हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन मिलेगा, ये हमारा होता है ग्रिड मेथड। सेकेंड मेथड क्या होता है, स्कैनिंग मेथड है ना। स्कैनिंग मेथड में क्या होता है, नॉट कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड ट्रीटमेंट हेड, ठीक है, जो स्किन हो गया उसका और ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट हेड हो गया, उसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। पहला याद रखना, पहले ग्रिड मेथड में क्या था, उसमें कॉन्टैक्ट था, सेकेंड में क्या है, स्कैनिंग मेथड में नॉट कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड ट्रीटमेंट हेड, द टिप ऑफ द एप्लीकेटर शुड बी इन अ 5 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है, द टिप ऑफ एप्लीकेटर शुड बी इन अ 5 to 10 सेंटीमीटर में होना चाहिए, यानी कि हमने इसको डिस्टेंस में रखा है, तो इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, ये भी तो है ना, हम ज़्यादा दूर भी नहीं रख सकते, ज़्यादा पास भी नहीं रखना है, तो ज़्यादा दूर कितना रखना है इसे, 5 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय दिस मेथड एनर्जी ऑफ लेजर इज डाइवर्स एंड एनर्जी ऑफ बीम इज डिक्रीज, ठीक है ना। इस मेथड में क्या होगा कि जो एनर्जी बीम होगा, अब जाहिर सी बात है हमारा डिस्टेंस जब बढ़ता है तो हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो ट्रैवल करेगा, डाइवर्स भी होगा, थोड़ा बहुत तो डाइवर्स होगा ही, है ना, तो डाइवर्स होने के कारण एनर्जी लेवल कम हो जाती है, ठीक है, और डाइवर्स हो जाती है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता। द डिस्टेंस इंक्रीजेज द डाइवर्सन ऑफ द बीम इज विल बी इंक्रीज होता है, ठीक है ना, इतना पता होना चाहिए। ये देखिए, इसका डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम है, हमारे स्किन सरफेस है, 5 to 10 सेंटीमीटर के बीच में रखे हैं, हेड ऑफ द लेजर है, ठीक है ना, और ये लेजर बीम है जो निकल रहा है, इसके देखिए कैसे डाइवर्स हो रहा है, ठीक है ना, तो ये स्कैनिंग मेथड ऑफ द लेजर हो गया, ठीक है गाइज। अब देखते हैं इंडिकेशन कि हमारा इंडिकेशन क्या क्या होता है, हम किस किस चीज़ में इसको दे सकते हैं। लेज़र को इम्पॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रोथेरेपी में, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई भी इक्विपमेंट का नॉलेज से ज़्यादा हमें इक्विपमेंट को किस कंडीशन में देना है और किस कंडीशन में नहीं देना है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी रहना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट कहलाएंगे। फर्स्ट बात, इंडिकेशन हम किस में देंगे, सबसे पहले हम वुंड्स में दे सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, किस में देंगे, वुंड्स में। अब वुंड्स में क्यों देंगे बताओ, तो वुंड्स में क्या होता है, रेड स्पेक्ट्रम लेजर इंक्रीज द टिश्यू प्रोलिफरेशन। अब वुंड्स है, घाव है, तो जो रेड स्पेक्ट्रम लेजर होगा वो इंक्रीज करेगा किसी टिश्यू प्रोलिफरेशन को, थस दिस इज वुंड हीलिंग कॉज। जो अब प्रोलिफरेशन को बढ़ाएगा, प्रोलिफरेशन करेगा तो वुंड्स हीलिंग होगा, वुंड्स हीलिंग हो तो क्या होगा वुंड्स को हील करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो वुंड्स में क्या क्या वुंड्स हो सकते हैं, बर्न्स से जो बना वुंड्स हो सकता है, सर्जिकल इंसीजर जो वुंड्स हो सकता है, ठीक है ना, डायबिटीज अल्सर वाला हो गया, एंड प्रेशर सोर होल्डर। इस सभी कंडीशन में हम उसको जो वुंड्स बना है वहाँ पर हम लेज़र को दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्कार टिश्यू में दे सकते हैं। स्कार टिश्यू में, समझ में आ रहा है ना, स्कार टिश्यू किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा कट गया, ठीक है ना, हाथ कट गया, यहाँ पर मैंने सीजर लगा दिया है, ठीक है ना, यहाँ मैंने सीजर लगाया और उसके बाद जो चिन्ह बन जाता है, जो है ना, जो स्कार बनने के बाद, यहाँ मसल आने के बाद भी जो चिन्ह रह जाता है उसे हम बोलते हैं स्कार टिश्यू, समझ में आ रहा है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ
टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ बनाने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्कार टिश्यू में भी हम लेजर को दे सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन लेवल, ठीक है ना, कोलिजन लेवल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और कोलिजन लेवल को इंक्रीज करता है लेजर, हेल्प करता है लेजर, समझ में आना। तो यह क्या कर रहा है, कोलिजन लेवल जब हमारा इंक्रीज होगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये होकर स्कार टिश्यू में कैसे करेगा, समझ में आ रहा है ना, जो बोन सीलिंग कर रहा है उसी प्रोसेस से भी स्कार टिश्यू को हील करने में ये मदद करता है हमारा लेजर, ठीक है। थर्ड देखिए, हम मस्कुलोस्केलेटन कंडीशन में दे सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटन कंडीशन क्या क्या हो सकता है, जैसे हमारा लेजर थेरेपी हेल्प इन अ वेरी इफेक्टिव वेरियस मस्कुलोस्केलेटन कंडीशन, जैसे टेंडिनाइटिस हो गया, आईटिस, देखो फ्रेंड्स कोई भी कंडीशन हो, आईटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, टेंडन में जब इन्फ्लामेशन होता है टेंडिनाइटिस कहेंगे, है ना। एंकल्स पेन में, अगर एंकल में पेन हो रहा है तब भी हम लेजर दे सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लेजर का उपयोग कर सकते हैं, समझ में आ रहा ना। अब देखते हैं पेन में दे सकते हैं, पेन में कैसे दे सकते हैं, द लेजर थेरेपी हेल्प इन अफेक्टिव रिलीविंग पेन बोथ द एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक पेन बाय द रिड्यूसिंग एडिमा। ये पेन को कैसे रिड्यूस करेगा, बाय द रिड्यूसिंग एडिमा एंड स्वेलिंग एंड इन्हांस द हीलिंग प्रोसेस। ये क्या करेगा, स्वेलिंग को कम करेगा, वहाँ एडिमा को कम करने में हेल्प करेगा एंड क्या करेगा, इन्हांस द प्रोलीफरेशन को बढ़ाएगा, उस प्रोसेस से हमारा क्या होगा, पेन रिलीफ होगा, ठीक है ना। और किस कंडीशन में दे सकते हैं, एडिमा में देना है हमें, लिम्फोडीमा में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। बोन एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज में भी हम दे सकते हैं लेजर हेल्प टू रीमॉड्यूलेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ दी बोन। बोन में अगर बोन फ्रैक्चर हो गया है वहाँ पर हम लेजर दे सकते हैं, क्योंकि जो क्या होता है प्रोलिफरेशन, रीमॉडलिंग एंड प्रोलिफरेशन ऑफ दी बोन में हेल्प करता है क्या, कौन, हमारा लेजर, ठीक है गाइज। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द लेजर, कि हमारा अगर हम लेजर किसी को दे रहे हैं तो हमारा फिजियोलॉजिकल क्या क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। इंडिकेशन तो समझ में आ गया कि हमारा मस्कुलोस्केलेटन कंडीशन है, बोन में दे रहे हैं, फ्रैक्चर बोन में दे रहे हैं, पेन में दे रहे हैं, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्कार टिश्यू में बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना, बोन्स में दे रहे हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द लेजर क्या होती है, कि स्टिमुलेशन ऑफ द वुंड सीलिंग, वो स्टिमुलेट करेगा वुंड सीलिंग को, ठीक है ना, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। दूसरा क्या है, इंक्रीज कोलेजन कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ये भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में आएगा, ठीक है ना। इंक्रीज द माइक्रोफेज एक्टिविटी, ये माइक्रोफेज एक्टिविटी को बढ़ाएगा और वुंड सीलिंग को प्रोसेस वुंड सीलिंग को क्या बोलते हैं, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। स्टिमुलेट द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, ये क्या, ये इसके साथ साथ लेजर क्या होते हैं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी में भी हेल्प करती है। इंक्रीज द एटीपी एंड इंक्रीजेज द एटीपी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है गाइस। अब देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में हम लेजर को नहीं दे सकते, डू नॉट रेडिएट फॉर द आईज डायरेक्टली, हम डायरेक्टली आईज में हमें नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये। डू नॉट यूज द प्रेग्नेंट वुमेन में हमें लेजर को नहीं देना है, ठीक है। डू नॉट यूज द हेमरेज कंडीशन, मतलब हेमोरेजिक कंडीशन है, जो ब्लडिंग हो रहा है वहाँ पर हमें लेजर को नहीं देना है, क्योंकि लेजर क्या काम करेगा, ब्लड वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर कंडक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है ना, प्रोलीफ्रेशन के काम को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा ब्लीडिंग का चांसेस और बढ़ सकती है, ठीक है ना गाइस। तो ये हो गया हमारा, डू नॉट यूज द पेशेंट हु आर अ फोटो सेंसिटिव, ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होते हैं, ऐसे पेशेंट पर हमें लेजर को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। इसके क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, तो डेंजर्स क्या हो सकते हैं, आईज डैमेज हो सकता है एंड बर्न कॉज कर सकता है। बार बार एक जगह यदि हम दे रहे हैं लेजर को तो क्या कर सकता है, बर्न कॉज कर सकता है, समझ में आएगा इस। तो ये आज का हमारा हो गया लेजर में जितने भी टॉपिक आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उसको मैंने सारे को कवर अप किया गाइस। अगर इतना पढ़ लेंगे ना, और अगर इतना आ गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन आ गया और आंसर लिख दिए, तो मतलब आपका 100% चांसेस है कि पूरा से फुल टू फुल चांसेस तो नहीं है कि 100% नंबर मिल जाए, लेकिन 90% चांसेस है कि सभी नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर 15 नंबर का आता है तो 10 नंबर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सब कवर किया है, ठीक है ना। अब इसका डेंजर्स क्या क्या होते हैं, आइस का ये सब समझ में आ गया गाइज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये मेरा यूट्यूब चैनल है ऑल अबाउट फिजियो मेडिकल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, लाइक मी, थैंक यू सो मच।